हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल टैग्स की। इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने कुछ एचटीएमएल टैग्स देख लिए थे। आज जिन एचटीएमएल टैग की हम बात करेंगे वो है कैप्शन टैग और साइट टैग। कैप्शन टैग बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी फॉर्मेट की हेडिंग के लिए, जिसमें आपको कोई भी अदर एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो एज ए कैप्शन सारी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी अपने साथ कंटेन करके रखता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको अभी परफॉर्म करवाऊँगी, और ये एग्जाम्पल जिससे हम परफॉर्म करेंगे वो होगा एक टेबल का कैप्शन। एक हम टेबल बनाएंगे, उस टेबल पे हम कैप्शन यूज़ करेंगे, और जो टेबल हम ड्रॉ करेंगे वो भी हम एचटीएमएल टैग्स के थ्रू ही करेंगे। तो टेबल टैग भी आपका यहीं पे इसी लेक्चर में कंप्लीट होगा, और कैप्शन टैग भी आपका यहीं पर कम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइट टैग। साइट टैग बेसिकली साइटेशंस के लिए यूज़ होता है। इसमें हमको इटैलिक फॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल होता है, जैसे हमारे पास आई टैग हुआ करता था, सेम प्रॉपर्टी के साथ हमारे पास अब साइटेशन टैग जो है वो अवेलेबल हो गया है। तो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ये हमारा मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर है, ये हमारा ब्लैंक पेज है। अब इस ब्लैंक पेज में हमको सबसे पहले क्या परफॉर्म करना है, कैप्शन टैग जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। और मैंने बताया कि कैप्शन टैग में आपको किसके थ्रू परफॉर्म करवाने वाली हूँ, टेबल टैग के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले मैंने बना दी टेबल, टेबल क्रिएट हो गई और टेबल क्लोज भी हो गई, ओपन भी हो गई और क्लोज भी हो गई। अब टेबल जो है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं टेबल की प्रॉपर्टी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहीं पर डिफाइन कर दूं कि टेबल का बॉर्डर कैसी होगी। तो टेबल की बॉर्डर हम समझ लेते हैं कि 2 पिक्सल की होगी। ठीक है, फिर हम बोलते हैं टेबल का अदर एट्रीब्यूट है हमारे पास सेल पैडिंग, और ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। और टेबल का बीजी कलर ले लेते हैं। ठीक है, बीजी कलर मैंने दे दिया येलो। ठीक है, ये हमारे टेबल की प्रॉपर्टी सेट हो गई। अब मैं यूज करती हूँ कैप्शन टैग। कैप्शन टैग जो है मैंने यूज किया, और मैंने देखा कि मैंने लिख दिया कैलेंडर। कैलेंडर नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हमारा टेबल का कैप्शन है। अब टेबल में और क्या होती है, रोज होती है, तो रोज के लिए हम डिफाइन करते हैं TR। ठीक, ये TR मैंने ओपन किया है, तो ये TR मैंने क्लोज भी कर दिया। अब एक रो में कितने कॉलम होंगे ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, TH भी है और TD भी है। टेबल हेडर भी है और टेबल सेल डेटा सेल्स भी है। ठीक है, तो अब मैंने सपोज इंजीनियरिंग में डाल दिया CS, ये क्लोज हुआ। फिर मैंने दूसरा टेबल हेडर डाल दिया IT, ये क्लोज हुआ। फिर हमने तीसरा टेबल हेडर डाल दिया EE, फिर ये क्लोज हो गया। ऐसे हम कितने भी टेबल हेडर डाल देंगे कि हमारे क्या कॉलम क्या क्रिएट हुए, कॉलम। अब जो अगली रो है TR, उसमें मैं क्या डालना चाहती हूँ, ये TR मैंने ओपन किया और ये TR मैंने क्लोज किया। ठीक है, अब इस अगली रो में मैं डालना चाहती हूँ डेटा, तो मैंने लिखा यार टेबल डेटा सेल। ठीक है, डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। सपोज़ कोई ए नाम का पर्सन है, अब CS है, तो CS में सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये मैंने लिख दिया। फिर IT है, IT में सब्जेक्ट, फिर TD बनाया मैंने, सॉरी TD बनाया, फिर मैंने IT का सब्जेक्ट लिखा मोबाइल वायरलेस सिस्टम। ठीक है, को क्लोज किया। फिर मैंने अगेन एक और TD बनाया, उसमें मैंने लिख दिया क्या इसका डबल ई का सब्जेक्ट जो है वो मैंने लिख दिया क्या ADC। ठीक है, ये मैंने क्लोज किया, ये मेरी रो हो गई। अब मुझे एक रो और बनानी, तो मैंने फिर TR किया। रो क्रिएट करने के लिए आप हमेशा क्या बनाएंगे, TR, और उस TR को हाथ हाथ क्लोज कर दीजिए, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और कॉलम क्रिएट करने के लिए, मतलब कॉलम हेडिंग क्रिएट करने के लिए TH, और कॉलम डेटा क्रिएट करने के लिए TD।
ए बी सी डाल दिया मैंने, ये क्लोज हो गया टी डी। दूसरा टी डी हमने लिया, उसमें सी डी सी डी ई डाल दिया, फिर ये क्लोज़ किया। फिर तीसरा टी डी लिया मैंने, फिर उसमें ई एफ जी डाल दिया, फिर क्लोज़ किया, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका ये देखिए, मैं आपको पेज और वो दोनों साथ साथ बताती हूँ। कोडिंग, ये कैप्शन था हमारा इंजीनियरिंग, ये हमारे पेज पे इंजीनियरिंग कैप्शन आ गया। देखिए मैंने कोई बोला नहीं था कि मिडिल में आना चाहिए कि किधर आना चाहिए, वो ऑटोमेटिक सेट होके हमारे पास अवेलेबल हुआ है। ठीक है, फिर मैंने तीन हेडर्स लिए थे, टेबल हेडर्स, सी एस आई टी है। देखिए अगर मैं ना सी एस को टी डी कर देती हूँ, सपोज अभी आपको दिखाने के लिए, इसके पहले का आउटपुट आपने देख लिया था, सेव किया, पेज ओपन किया, रिफ्रेश किया, देखिए सी एस कैसा आ गया, डेटा वैल्यू जैसा लेफ्ट अलाइंड आया है, कोई बोल्डनेस नहीं है और मिडिल में भी नहीं है। बट आई टी देखिए जो उससे लिखा हुआ है, टी एच के थ्रू लिखा है तो हेडिंग के थ्रू आया है, बकायदा डबल ई पी टी एच के थ्रू लिखा हुआ है तो हेडिंग के थ्रू आया है। ये मैंने पेज आपको छोटा करके दिखा रही हूँ इसलिए वो डबल ई ऐसा आ रहा है, अदरवाइज वो मतलब बड़ा सब्जेक्ट का नाम लिखूँगी तो वो बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं ए डी सी की जगह डी 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 ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने अगेन रिफ्रेश किया पेज को तो देखिए ये बड़ा हो गया। और ये जो बॉर्डर्स आ रही है वो बॉर्डर हमने जो यहाँ सेट करी है टेबल की उसके कारण आ रही, बीजी कलर जो हमने सेट किया है उसके कारण आ रही। देखिए हम बीजी कलर जो है वो चेंज करते हैं, ये बीजी कलर और अब मैंने ये ब्लू कर दिया। और जो बॉर्डर आ रही है, बॉर्डर हमने ली है 2 पिक्सल, वो मैंने ली 5। सेव करा, रिव्यू देखा तो देखिए ब्लू आ गई और 5 के साथ आ गई बॉर्डर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है टेबल की जो आप इजीली सेट कर सकते हैं। तो इस कैप्शन टैग के में आपने दो चीज़ें पढ़ ली, टेबल टैग पढ़ लिया, उसके एट्रीब्यूट सेट करना सीख लिया, टी डी पढ़ लिया, टी एच पढ़ लिया, दोनों में डिफरेंस देख लिया, टी आर पढ़ लिया और कैप्शन टैग तो पढ़ा ही है। ठीक है, अब अगला जो टैग हम आज के लेक्चर में देखने वाले थे वो है साइट टैग। साइटेशंस के लिए बेसिकली वो यूज़ होता है। साइट टैग जो है वो मैंने लगा दिया सपोज साइट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया दिस इज माय और साइट को क्लोज कर दिया। और फिर आगे लिख दिया टेबल और ये पूरा मैंने लिख दिया एक पैराग्राफ में, ठीक है ना, पैराग्राफ के अंदर दिस इज माय चैनल ले लेते हैं, चैनल क्विक रिविजन आर ई वी आई एस आई ओ एन रिविजन। आपकी साइट टैग लगाने से क्या डिफरेंस आ रहा है, दिस इज़ माई कैसा है, इटैलिक में आया है, क्लियर। तो हम पहले इटैलिक के लिए आई टैग यूज़ करते थे, अब हम एज अ साइटेशन इज अ यूज़ करते हैं। हम जो रेफरेंस देते हैं वो सारे टैग्स जो हैं यहाँ पर उन सारे प्रोसेस के लिए ये साइटेशन टैग हम यूज़ करते हैं। तो ये दो टैग हमने पढ़े हैं आज, कैप्शन टैग और साइटेशन टैग, और कैप्शन के साथ आपका टेबल टैग भी कंप्लीट हो गया है। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।